फूलों का तारों का सबका कहना है ना, और दुनिया हो जाए इधर उधर, हमें बस पढ़ते ही रहना है। स्टूडेंट्स की यही तकलीफ है बेचारों की, जब देखो तब पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। अरे यार बोझ की तरह मत पढ़ो, पढ़ते तो रहना है पर बोझ की तरह मत पढ़ो। देखो कई लोग ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई हो चुकी है, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी अंदर की भूख नहीं खत्म हो रही है, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे और आगे बढ़ना है, और कुछ जानना है, दुनिया को एक्सप्लोर करना है, तो वो अलग अलग बुक्स रीड कर रहे हैं। तो पढ़ाई यार देखो इस चीज़ के लिए मत पढ़ो कि मतलब हमें आगे चल के फ्यूचर में जॉब करना है, पैसे कमाने हैं इसके लिए, ना ना ना, पढ़ाई इसलिए होती नहीं है, ठीक है। वो तो एक समझो ना कि क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे आप होटल में खाना खाने गए तो खाने के बाद सैलड वगैरह हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो वैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, कि आप उससे इनकम कर रहे हो, पर एजुकेशन आपके खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, अपने नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए और फ्यूचर के चैलेंजेस को फेस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, हो गई फिलोसफी, आते हैं आज के टॉपिक पर। माफ कीजिएगा भाइयों बहनों, ट्राइंगल्स चैप्टर थियोरम 6.2, 6.1 कर लिया, उस टाइम कुछ बोला नहीं आपने 6.2 का। फिर मैंने सोचा, जोड़ा घटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया, और फिर इस नतीजे पे आया कि मुझे 6.2 थियोरम करवा देना चाहिए। तो 6.2 थियोरम क्या है? कुछ नहीं है, 6.1 का कन्वर्स है, अपन ऐसा कह सकते हैं। कैसे कन्वर्स है? तो अपन 6.1 में क्या पढ़ा, 6.1 में हमने ये पढ़ा कि अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, और अगर आप एक लाइन लो जो कि किसी एक साइड के पैरेलल है, किसी एक साइड के पैरेलल है, तो बाकी दोनों साइड्स को वो इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर देती है। ये पढ़ा अपन ने 6.1 में। 6.2 में अपन क्या पढ़ेंगे? अरे यार कहाँ है, मिटा दिया, वही तो था, सेम ही तो था। अगर एक ट्राइंगल है और आप एक ऐसी लाइन लेते हो जो दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करती है, ठीक है, इस बार क्या दिया है, दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये लाइन तीसरी साइड के पैरेलल है। 6.1 क्या बोला, पैरेलल दिया था, पैरेलल दिया था तो बोला बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। 6.2 क्या बोलता है कि इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ये दिया हुआ है, तो इससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो इसके पैरेलल है, तीसरी साइड के पैरेलल है, क्लियर है। तो यही अपना थ्योरम प्रूव करना है अपन को। तो स्टेटमेंट लिख लें अपन इसका, स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का भैया? तो स्टेटमेंट है ये कि इफ अ लाइन डिवाइड्स डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन इक्वल रेशियोज, देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है, तीसरी साइड के पैरेलल होगी, सिंपल। मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि देखो मैंने ट्राइंगल ले लिया, अच्छा चलो इसको थोड़ा सा साइड से बना देता हूँ मैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लिया मैंने ए बी सी, ठीक है फाइन, अच्छा थोड़ा टेढ़ा बनाते हैं, एकदम सीधा सीधा बना देंगे मज़ा नहीं आएगा, फिर सब कुछ एकदम सीधा सीधा दिखने लग गया तो हर तरह के केस के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो ट्राइंगल ए बी सी है, अपन ने एक लाइन ली, ठीक है, अपन ने एक लाइन ली, अच्छा चलो इसको पैरेलल बनाओ, ठीक है, ये एक लाइन ले ली अपन ने, इसको नाम दे देते हैं अपन क्या, डी ई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मिटा देता हूँ मैं और वो चीज़ें लिख देता हूँ। देखो यार थोड़ा एक्साइटमेंट से बैठो, ठीक है, ढीले ढीले होकर मत बैठो, ठीक है, ऐसा आलसी की तरह ऐसे करके बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा जोश में आओ, एनर्जी लो यार, मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मैथ्स के लिए एनर्जी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो एनर्जी से आएगा, ओके। तो हम ले रहे हैं कंसिडर ए ट्राइंगल ए बी सी, अपन ने एक ट्राइंगल ए बी सी लिया जिसमें एंड लाइन डी ई, ठीक है, डिवाइड्स ए बी एंड ए सी इन इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है, ठीक है, ये सब मेरे को नहीं लिखना चाहिए था लेकिन मैंने लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है, मतलब अपन क्या कह सकते हैं, गिवन है अपने पास, क्या क्या गिवन है अपने पास, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ये है अपने पास, ठीक है। लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, अरे अपन को क्या प्रूफ करना है, अपन को ये प्रूफ करना है कि ये जो डी ई है ना, हमने क्या बोला
कि जो डीई है वो एबी और एसी को दो इक्वल मतलब इक्वल रेशियोस में डिवाइड कर रही है, ठीक है, यानी कि एडी बाई डीबी एई बाई ईसी है, ये गिवन है। तो हम ये बोलेंगे कि डीई जो है वो डेफिनेटली बीसी के पैरेलल होगा, अगर ये रेशियोज इक्वल हैं तो डीई बीसी के पैरेलल होगा, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम पहले ये मान के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल चलो मान लो कि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, ठीक है, मान लो कि वही लाइन इसके पैरेलल नहीं है, और फिर इस केस को आगे लेके चलते हैं और वहां देखते हैं कि क्या वाकई में हम जो कह रहे हैं कि ये इसके पैरेलल नहीं है वो सही है, या अगर आप 9th में आपने पढ़े होंगे यार ऐसे थ्योरम और भी थे 9th में जहां पे हम कन्वर्स लेके मतलब अपोजिट केस लेके चलते थे कि ऐसा नहीं है, और फिर सॉल्व करते करते पहुंच जाते थे कि ऐसा है, हमारी अजम्पशन गलत निकलती थी। और स्पेशली आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये चीज़ दिखी थी, कुछ चीज़ें प्रूफ करनी थी हमको, प्रूफ करना होता था कि ये इरेशनल है तो हम उसको रेशनल लेके चलते थे और लास्ट में जाके साबित हो जाता था कि ये इरेशनल है ना। तो वैसे ही कुछ यहाँ भी करेंगे। तो हमने एक लाइन ले ली है डीई जो कि बी सी सॉरी जो कि ए बी और ए सी को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है, लेकिन हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल नहीं है, क्लियर है। तो वही लिख दिया मैंने कि लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ठीक है। सो देयर इज अनदर लाइन पासिंग थ्रू डी, पासिंग थ्रू डी विच इज पैरेलल टू बी सी। तो एक दूसरी लाइन होगी, कोई और लाइन होगी जो बी सी के पैरेलल होगी और डी से पास होती होगी। तो मैंने एक दूसरी लाइन ले ली, उसको भी मैं मार्क कर दूं ऐसे कि देखो एक दूसरी लाइन ले ले रहे हैं हम लोग, इसके पैरेलल बनाओ एग्जैक्ट, तो थोड़ी सी ऐसी बनेगी। अब देखो एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक वाला नहीं बना रहा हूँ मैं, टेक्स्ट बुक वाले में शायद ये ई ऊपर की तरफ है, राइट, यहाँ वाला ये जो पॉइंट है ऊपर की तरफ है, मैंने इसको नीचे ले लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं पर भी ले सकते हो, बस ये फिगर के हिसाब से पैरेलल बना रहे हैं अपन, तो अपना फिगर ऐसा है इसलिए अपना पैरेलल वाला ऐसा बनेगा, है ना, ठीक है, ओके। तो अपन ने उसको नाम दे दिया लेट इट बी बी सॉरी डी ई डैश। तो हमने क्या बोला कि एक दूसरी लाइन है डी ई डैश जो कि बी सी के पैरेलल है, क्लियर है। और अगर ऐसा है डी ई डैश बी सी के पैरेलल है सो बाय थियोरम 6.1, और थियोरम 6.1 ऐसे याद नहीं रखना है भाई, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियोरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियोरम क्या कहता है कि अगर ये डी ई डैश बी सी के पैरेलल है, ये डी ई डैश बी सी के अगर पैरेलल है तो वो ए बी और ए सी को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा, ठीक है, वो थियोरम तो हम यूज ही कर सकते हैं ना यहाँ पर, है ना। तो ये पैरेलल है इसके मतलब क्या हुआ कि ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी होगा, क्योंकि भाई डी ई डैश बी सी के पैरेलल लिया भाई आपने, क्लियर है पक्का, ओके। अब एक चीज देखो, ये है हमारा इक्वेशन वन जो गिवन था, और ये हमने जो अभी पाया वो है इक्वेशन टू। तो फ्रॉम वन एंड टू एक चीज नोटिस कर रहे हैं हम, कर रहे हैं क्या क्या, देखो यहाँ ए डी बाई डी बी क्या था, ए बाई ई सी के बराबर था, और यहाँ वही ए डी बाई डी बी किसके बराबर है, ए डैश बाई ई डैश सी के बराबर है ना। तो वन और टू से भाई ये रमेश है, रमेश का भाई सुरेश, और ये भी तो रमेश ही है ना, ये रमेश ही तो है ये, और इसी का भाई कौन है, महेश। तो रमेश का ही भाई सुरेश है और रमेश का ही भाई महेश भी है, तो सुरेश और महेश भी आपस में भाई हुए, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे लेकिन आज मिल गए हैं, ठीक है। तो भाई देखो रमेश सुरेश महेश भी भाई हो गए, देयर फॉर हम लिख सकते हैं, सॉरी फ्रॉम ए ई वन एंड टू तो लिख ही दिया अपन ने, तो ए ई बाई ई सी जो है हमारा वो ए ई डैश बाई ई डैश सी हो गया, ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए, है ना। अच्छा तो अभी आपका काम नहीं हुआ है, अभी आपको क्या करना था एक्चुअली में, क्या प्रूफ करना था कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है, ये प्रूफ करना था। पर हमने पहले लेके रखा है कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है, लेकिन डी ई डैश बी सी के पैरेलल है ना। अब अगर मैं कुछ करके ये प्रूफ कर दूं कि ई और ई डैश जो है दोनों एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट के अलग अलग नाम है ई और ई डैश, या ऐसा कह दो कि ई और ई डैश दो पॉइंट्स एक ही जगह पर अलाई कर रहे हैं मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये दोनों एक ही हो गए, है ना। तो चाहे डी ई बोलो चाहे डी ई डैश बोलो सेम लाइन हो गई, ठीक है, और सेम लाइन है तो मतलब भाई दोनों एक ही चीज हो गए ना, आपने इक्वल रेशियोज भी लिया और पैरेलल भी प्रूव हो गया साथ में, समझ में आया। तो अब आपको कुल मिलाकर ये करना है कि ई और ई डैश सेम पॉइंट है ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां नोटिस करो, यहां हम क्या करते हैं दोनों तरफ वन प्लस कर देते हैं, क्या करते हैं दोनों तरफ वन प्लस कर देते हैं, तो उससे क्या होगा देखो अभी समझ में आ जाएगा।
इसको मैं मिटा दूं क्या? मतलब सोच रहे हो क्या, मतलब पूछते हो और फिर मिटा भी देते हो, और ना बोलेंगे तो क्या नहीं मिटाओगे? अरे समझो यार, मजबूरी समझो, मिटाना तो पड़ेगा ना। तो देखो इसको अपन सॉल्व करें, अगर फर्दर दोनों साइड वन ऐड किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इधर ऐड किया मतलब एलसीएम लेके, तो ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी हो जाएगा, राइट। तो देखो ए ई अपॉन ई सी कितना है आपका, इस हिसाब से देखो डायग्राम के हिसाब से, तो ए ई और ई सी दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा क्या, तो हो गया ए सी बाई ई सी, और ए ई डैश प्लस ई डैश सी ये भी ए सी ही होता है ना, ये भी ए सी ही हो रहा है, अपॉन आ गया ई डैश सी। तो देखो ऊपर ए सी ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मिल गया आपको ई डैश सी इक्वल्स टू ई सी, यानी ई डैश सी और ई सी सेम आ गया। ई डैश सी और ई सी सेम तभी हो सकता है, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ ई एंड ई डैश को इनसाइड। भाई दोनों एक ही लाइन पर हैं, एक ही लाइन पर, ठीक है, इस तरफ आप जा रहे हो, तो अब मुझे बताओ एक पॉइंट यहां पर है आपका और एक पॉइंट यहां पर है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम हो सकता है क्या कभी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कभी सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये तभी होगा जब दोनों पॉइंट सेम जगह पर लाई करें, ठीक है। तो ये इक्वल आने का मतलब क्या हुआ कि ई और ई डैश कोइंसाइड कर रहे हैं, सेम जगह पर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब आप जो ई सी और ई डैश सी बोल रहे हो दोनों एक ही चीज है, देयरफॉर हम ये कहेंगे कि डी ई एंड डी ई डैश आर सेम लाइन्स, ये दोनों सेम ही लाइन है, ठीक है। डी ई और डी ई डैश जो आप अलग अलग दिखा रहे हो, ये अलग अलग दिखाना पॉसिबल ही नहीं है, दोनों सेम लाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? आपने क्या बोला था? आपने बोला था कि जो डी ई है वो इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियोस में डिवाइड कर रहा है, और आपने ये भी बोला था कि डी ई डैश जो है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। डी ई डैश ये वाला इसके पैरेलल है, और ये वाला इनको इक्वल रेशियोस में डिवाइड कर रहा था, लेकिन अभी साबित हो गया कि ये और ये दोनों एक ही चीज़ है ना। तो ये बता रहा था इक्वल रेशियोस में डिवाइड और ये बता रहा था पैरेलल, मतलब दोनों एक ही चीज़ हो गए, तो इक्वल रेशियोस में डिवाइड कर रहे थे तो पैरेलल होगा ही होगा, है ना। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर डी ई इज पैरेलल टू बी सी, हो गया प्रूफ, क्लियर है। ये हो गया हमारा थ्योरम 6.2। अगला वीडियो लेके पहुंचे मिलेंगे, जस्ट में अपन एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। 6.2 के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं, मज़ा आने वाला है, तो थोड़ा सा कर लो वेट, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए जो हर बार कहते हैं अपन, टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।